सब्सक्राइब कीजिए इस क्यूटीसीएल यूट्यूब चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पर, इससे आप नहीं कर पाएंगे किसी भी अपडेट को मिस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और आज फिर हम 26 अगस्त ही करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज 26 अगस्त है। पहला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। हाल ही में अब्दुल्ला हमदोक किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो अब्दुल्ला हमदोक सूडान के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं, चुने गए हैं। अभी सूडान अफ्रीकन कंपनी है क्या, माफ कीजिए कंट्री है, क्या है? अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है ये सूडान कंट्री, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तून। सूडानी पौंड है सूडान की करेंसी। तो इतना आपको याद रखना है। और प्राइम मिनिस्टर तो यही बन गए हैं, अब्दुल्ला हमदोक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूएनडीपी के साथ अभी समझौता किया है? तो सशस्त्र विकास के गोल को अचीव करने के लिए समझौता किया है यूएनडीपी के साथ पंजाब सरकार ने। किसने? पंजाब सरकार ने। अच्छा, ये बॉर्डर्स कभी कभी इम्पॉर्टेंट होते हैं, किस राज्य से किस राज्य का मिल रहा है। तो देखा जाए तो पंजाब से हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश का, कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान का। किसका? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान, ये चार राज्यों के बॉर्डर मिल रहे हैं पंजाब स्टेट से। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और पंजाब की कैपिटल तो चंडीगढ़ है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो बीपी सिंह बदनौर ये हैं बीपी गवर्नर। और पंजाब सरकार ने किसके साथ किया? यूएनडीपी के साथ। यूएनडीपी क्या क्या किया है, किसके लिए? सशस्त्र विकास गोल को अचीव करने के लिए। अब ये जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी जो कैपिटल हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1965। ठीक है, तो ये आपको इतना एटलीस्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। हाल ही में किसने अभी किसने R52 वन्य जीव कानून परिवर्तन पुरस्कार जीता है? तो अभी R52 वन्य जीव कानून परिवर्तन पुरस्कार जीता है विवेक मेनन ने। किसने जीता है? विवेक मेनन, ये इम्पोर्टेंट है। इन्होंने R52 वन जीव कानून परिवर्तन पुरस्कार जीता है विवेक मेनन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बर्मम विज्ञान पर दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो चेन्नई में। चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है। चेन्नई में अभी किया गया है बर्मम विज्ञान पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यशो नायक। इन्होंने अभी इसकी अध्यक्षता की है बर्मम। अब ये बर्मम विज्ञान क्या होता है? तो ये चिकित्सा की एक सिद्ध प्रणाली है। क्या है ये? चिकित्सा मेडिकल ट्रीटमेंट की एक सिद्ध, एक मतलब प्रूफ डिक्लेयर्ड प्रणाली है। ठीक है, ये आपको याद रखना है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीतने वाली पहली इंडियन शटलर कौन बनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली इंडियन शटलर बन गई है पीवी सिंधु। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन बन गई है? पीवी सिंधु। इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है। और ये हुई कहाँ थी? तो ये हुई थी, कहाँ हुई थी ये? यस, ये हुई थी बीजिंग चाइना में। कहाँ हुई थी? चाइना में हुई थी बीजिंग का, आई एम नॉट श्योर, पर चाइना में ये हुई है। तो आप इतना याद रखिएगा और एग्जैक्ट सिटी भी मैं आपको बता दूंगी। चलिए
वो तो मैं किसी और कल वल के सेशन में बता दूंगी। तो ये ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत आर्थिक सम्मेलन का आयोजन किया जाना है, ये कहाँ होगा? तो ये दिल्ली में होगा भारत आर्थिक सम्मेलन का आयोजन, और इसकी अध्यक्षता संयुक्त रूप से बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और सानिया मिर्जा करेंगे। संयुक्त रूप से कौन करेगा? सानिया मिर्जा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। तो इतना आपको एटलीस्ट याद रखना है। ओके, हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अक्षय पात्र एनजीओ के साथ समझौता किया है? तो एनजीओ मैंने आपको कह दिया, लाके लिखा हुआ नहीं था, एनजीओ है, मैंने पहले ही बता दिया। और ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है। इसने अभी अक्षय पात्र एनजीओ के साथ समझौता किया है। ये अक्षय पात्र एनजीओ क्या है? इसकी स्थापना 2000 में हुई थी और ये गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को खाना प्रदान करता है और इसी के साथ एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अभी समझौता किया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में AIIB में शामिल होने वाला 73rd यानी 73वां देश कौन बना है? तो AIIB में शामिल होने वाला 73rd यानी 73वां देश बन गया है सर्बिया। कौन बन गया है? सर्बिया। सर्बिया भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है। क्या है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है। और सर्बिया की जो कैपिटल है वो क्या है? सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड, और सर्बिया की करेंसी है इसी करेंसी में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो करेंसी और कैपिटल आप लोग देख लीजिएगा सर्बिया की। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की है, कैपिटल तो मैंने बता ही दी आपको, लेकिन करेंसी फिर भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार अभिनेत्रियों के सर्वाधिक कमाई की एक सूची आई है, उस सूची में पहला नाम किसका है? तो ये अभिनेत्रियों की है। इससे पहले मैंने आपको एक्टर्स की बताई थी, पहले तो फोर्ब्स का सुनिए। फोर्ब्स क्या है? फोर्ब्स एक अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है। क्या है? अमेरिकन बिजनेस मैगजीन। अभी कुछ दिन पहले एक्टर्स पर रिपोर्ट आई थी, एक्टर्स पे मैंने आपको बताया था ड्वेन जॉनसन है जो 89.4 मिलियन डॉलर उनकी कमाई है, और अभी आई है अभिनेत्रियों यानी एक्ट्रेस पर। तो एक्ट्रेस पर जो ये आई है फोर्ब्स की रिपोर्ट, इसमें पहला नाम है स्कारलेट जोहानसन। क्या नाम है? स्कारलेट जोहानसन। फिर से सुन लीजिए, एक्टर कौन है? ड्वांग जॉनसन, जिनके बारे में कल परसों बताया था। और ये जो अभी आई है एक्ट्रेस पर रिपोर्ट फोर्ब्स की, इनका नाम क्या है? स्कारलेट जोहानसन। तो इनको दोनों को साथ में याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर स्कारलेट जोहानसन पहले नंबर की अभिनेत्री हैं जिनकी कमाई 56 मिलियन डॉलर है। कितनी? 56 मिलियन डॉलर। दूसरा नंबर है सोफिया बर्गीज है, इनकी 44 मिलियन डॉलर कमाई है। कितनी? 44। ये आप दो कम से कम याद रखिए, स्कारलेट जोहानसन और सोफिया वर्गीज को। सोफिया वर्गीज सेकेंड नंबर पे हैं। और उधर आप याद रखिए किसको, मैंने आपको बताया था ड्वेन जॉनसन और क्रिश, और मैंने तीनों नाम बताए थे रॉबर्ट जूनियर। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिए। आप फोर्ब्स की स्थापना कब हुई थी? फोर्ब्स की स्थापना मैंने आपको बहुत बार बताई, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में, स्टीव फोर्ब्स है इसके एडिटर एंड चीफ। कौन है? स्टीव फोर्ब्स है एडिटर एंड चीफ। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किसने अभी
किसने अभी पानी पर चलने वाली, किस देश के वैज्ञानिकों ने अभी पानी पर चलने वाली 7 कीट प्रजातियों का पता लगाया है? तो पानी पर चलने वाली 7 कीट प्रजातियों का पता लगाया है हमारे भारत के साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों ने, ठीक है। तो ये 7 प्रजातियां ऐसी हैं, कीट प्रजातियां जो पानी पर रेंग और चल सकती हैं, और इन्हीं का पता लगाया है इंडियन साइंटिस्ट ने, अपने देश भारत के वैज्ञानिकों ने, ठीक। तो ये आपको इतना याद रखना है। हाल ही में मूडीज की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट यानी जीडीपी की विकास दर कितनी रहेगी। तो ये है मूडीज, ये एक व्यापार, ये एक क्या है, व्यापार जो है, जस्ट होल्ड ये जो है एक व्यापार, मतलब एक रिपोर्ट कंपनी, रिपोर्ट एजेंसी है जो आर्थिक दर का अनुमान लगाती है। मूडीज का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसकी रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारत की विकास दर अभी 2019-20 में 6.2 रहेगी। कितनी रहेगी? 6.2। तो ये आपको इतना याद रखना है, याद रखिएगा 6.2, तो इतना आपको याद रखना है। अब आज का जो ये सेशन है, आई होप सो कि आपको बहुत पसंद आया होगा। इसको अपने लेवल पर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कीजिए, इससे लाभ लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अलॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग।